फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू बी लाइक डूइंग दिस शो एंड दैट टू फॉर सोनी, क्योंकि सोनी जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, हमेशा कोशिश करता है हर बार नया कुछ करने का, और मैं उसका पार्ट हूँ तो मुझे उसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो मेरा नाम इस शो में सागर महेश्वरी है, जो कि इकलौता वारिस है बहुत बड़ी कंपनियों, मसाले की कंपनी जिनकी है उनका, तो काफ़ी खुश हूँ मैं इस बात से। और जिसकी जर्नी है वो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि सागर इज़ द वन हु विल बी मेकिंग एवरी कैरेक्टर मीट, यू नो, लाइक जैसे कि आपका जो वेदिका का कैरेक्टर है, जो कोयल का कैरेक्टर है, सरस्वती का कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये वो आदमी है जो गलत के साथ गलत ही, मतलब उसके साथ कभी नहीं खड़ा रहेगा और सही के साथ ही खड़ा रहने वाला कैरेक्टर है। और सही गलत अगर उनके अपने भी हैं तो ये उनके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाएगा, और अगर जो सही है और जो अगर पराए भी हैं तो ये उनके साथ ही खड़ा रहेगा। और काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है, काफ़ी फन लविंग, काफ़ी हैप्पी एंड काफ़ी यू नो लाइक ह्यूमरस कैरेक्टर है। देखिए, अच्छा कुछ होता है तो बहुत खुशी मिलती है, और कुछ बुरा होता है तो ऑफकोर्स बुरा लगता है, पर हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। और जब हम शो बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं, अकेला मैं शो बना नहीं रहा होता हूँ, देयर विल बी लाइक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, चैनल होता है, तो एक पूरा टीम एफर्ट होता है। और जब सबको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो सब खुशी होते हैं, और जब सबको बुरे परिणाम मिलते हैं तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी मूव ऑन टू अदर। जैसे आपने कहा कि आप अपने बिजनेस के इकलौते वारिस होते हैं, लेकिन फिर भी आप फॉर लॉयर हैं ना कि अपना बिजनेस संभाले, और रियल लाइफ में भी आपने लॉन्च किया, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेटेबल था ये कैरेक्टर? मतलब ऑफकोर्स, मतलब जब मैं पहली बार प्लॉट सुना तो मुझे प्लॉट अच्छा लगा, उसके बाद जब इन्होंने बोला कि इसमें इसका प्रोफेशन लॉयर का होने वाला है, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं भी पढ़ा हूँ थोड़ा, तो फिर वो काफ़ी खुश हुए कि चलो ठीक है, बट दिस इज़ एक्साइटिंग पार्ट, दिस इज़ वेरी एक इत्तेफाक से कोइंसिडेंस है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर उस जगह से अगर मेरे अंदर जो, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा इस कैरेक्टर में लाने का, तो आई ऑलवेज आई एम ओपन टू ब्रिंग। एक शो कंप्लीट करने के बाद जब उसका रैपअप हो गया, उसके बाद जब नया शो स्टार्ट हुआ, आपको एक शो मिला उस बीच के दौरान में, क्या होता है जब हमें ब्रेक मिलता है तो उस ब्रेक में वी ऑलवेज मेक आवर सेल्फ बेटर, वी लर्न न्यू थिंग्स, वी प्रोक्योर न्यू थिंग्स। प्लीज आइए। तो वी प्रोक्योर, मतलब हम उस टाइम को प्रोक्योर करते हैं, उस खाली वक्त में अपने ऊपर काम करते हैं, आई थिंक एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब आप सिर्फ इंतजार मत करो, मेरे ख्याल से हमें उस टाइम पे नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने तो जिम ज्वाइन कर लिया था कुछ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या कहना चाहेंगे विकार दिल से सबके बारे में, और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? विकार दिल से दिल तक इज द फर्स्ट थिंग। मेरा कैरेक्टर ये हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, मैं एंटैगनिस्ट हूँ, वेरी क्लियर। ये मेरी दादी, आई एम बैड, मैं दादी हूँ, ये मेरा पोता है, जैसा कि मैंने बोला। कैसे लगा इनके साथ, मतलब से विलेन, इनके अगेंस्ट विलेन का रोल? अभी अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, अभी दादी को पोते से बहुत प्यार है। अच्छा। और फिलहाल एक दो दिन ही हुए हैं शूटिंग के, आगे आगे जैसे कहानी बढ़ती है आप देख लेंगे क्या होता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपके प्रीवियस काम भी, उसमें भी आपने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, इसमें भी आप नेगेटिव निभा रही हो, उस तरह का जब कैरेक्टर निभाने के बाद एक छवि बाहर आती है, बाहर लोगों के बीच में जो आपको जज करते, तो उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? जज मुझे नहीं करते, कैरेक्टर को जज करते, मुझे एज एन एक्टर जज करते। तो जब उनको मन करता है कि कैरेक्टर को गाली दे, तो दैट इज़ अ रिसीट फॉर माई एक्टिंग, और मैं खुश होती है जब लोग मेरे बुरे कैरेक्टर को गालियाँ देते हैं। I'm very happy. So I think I've done my job right. Some बुराई को भी अच्छाई से प्रेजेंट करना, मतलब टू द हिल्स। आप कोई नहीं लगता कि अच्छा निभा रहा हो, तो बार-बार वही ऊपर आ रहा है। हर इंसान अलग होता है, राइट? उसी तरह हर किरदार अलग होता है। नो टू पीपल आर द सेम, नो टू कैरेक्टर्स आर द सेम। सो आपको उसकी जो छोटी छोटी नुक्स है वो आपको ढूंढनी है और तराशनी है, दैट इज़ द चैलेंज। ताकि अब तक जो प्रोमो आया उसको आपको क्या रिएक्शन मिले लोगों से, लोगों ने क्या कुछ बोला? पीपल आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोजेक्ट। मतलब बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आई है, वेरी पॉजिटिव एंथुजियास्टिक। अभिषेक, आपके फैमिली से किस तरह का रिस्पॉन्सेस मिला है? क्योंकि आपके भाई को भी काफ़ी प्यार मिलता है, तो आपने, आपको कुछ टिप्स वगैरह दिए?
हाँ, मतलब ऑफकोर्स खुशी तो सबको होती है घर में जब लड़के काम पे निकलते हैं सुबह सुबह, तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है टिफिन बनाने में, तो मम्मी भी वही है, उनको भी बड़ी खुशी है कि हम यू नो स्टार्टेड वी आर वर्किंग एंड वी आर काइंड ऑफ डूइंग दिस ग्रेट शो, और इतना बड़ा शो है, और सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे लोगों के साथ में आई गेट टू मीट मैम, मतलब ऑफकोर्स मैं आपके साथ दो दिन काम किया हूँ, बट देन यू नो वॉट आई लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट कि मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल यही आया था मैम कि यू नो मैं हम लोग 12 घंटे काम कर रहे थे एंड द कॉन्स्टेंट एनर्जी जो आपके अंदर थी, यू नो लाइक जैसी टेक हो रहा है यू आर गेटिंग अप एंड कमिंग ऑन साइड एंड देन यू गोइंग बैक विद द सेम एनर्जी, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब यहाँ पे तो मैं बहाना भी नहीं बना सकता कि थक गया। हाँ बिल्कुल नहीं, I'm on the set, तो मेरे सामने ये बच्चा क्या बहाना बनेगा, कभी कभी बोर्ड नहीं, तो मुझे इनको पहले पटाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं एंड देन द होल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, और मैं भी बहुत खुश हूँ एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रेट एंड ग्रेट टाइम। देखिए एज एन एक्टर सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही है कि बाई टाइम मुझे हमेशा डिफरेंट 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 जॉनर्स कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता रहा, और ये भी मेरे लिए एक बिल्कुल नया जॉनर है, और बहुत सारी नए एलिमेंट सीखने को मिलेंगे एंड यू नो वर्किंग विद सच ग्रेट एक्टर्स बाय योर साइड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कैसा होता है माहौल क्या होता है, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, आपको मुझे सब सिखाना पड़ेगा। ऑडियंस से हमारी ये पुकार है दिल से दिल तक कि वो हमारे शो को देखें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, जो कि 8:30 बजे से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मंडे टू फ्राइडे देखो सीखा, मंडे टू फ्राइडे नोट कर लें, और प्लीज़ हमारा शो देखें, ढेर सारा प्यार दें, और हम इसी तरह भर भर आते रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच।